मुरैना से बड़ी खबर है, चोरी के संदेह में पिटाई कर दी गई है। जी हां, दुकानदार ने दुकान में बनाया है बंधक, कंबल चोरी करने के शक में पिटाई हुई, लोहे की पाइप से मारपीट हुई है, पुलिस में शिकायत नहीं की गई है। एएसपी बोले हैं कार्रवाई की जाएगी। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चोरी के संदेह में पिटाई कर दी, दुकानदार ने दुकान में बंधक भी बना लिया, एक शख्स को कंबल चोरी करने के शक में पिटाई कर दी है, लोहे की पाइप से मारपीट का आरोप है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक शख्स को बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। हालांकि पुलिस में कोई शिकायत नहीं हुई है, लेकिन एएसपी बोले हैं कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर हम मुरैना से आपको बता रहे हैं, मुरैना में चोरी के संदेह में, चोरी के शक में पिटाई कर दी दुकानदार ने, दुकानदार ने दुकान में बंधक बनाकर आप शख्स को पीट दिया, कंबल चोरी करने के शक में पिटाई हुई है, लोहे के पाइप से मारपीट की है। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, किस तरीके से दुकानदार एक शख्स को लोहे की पाइप से मारता हुआ नजर आया, पुलिस से शिकायत नहीं की। हालांकि एएसपी बोल रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार ने बंधक बना लिया था, चोरी के शक में एक शख्स को बंधक बनाया, जमकर पिटाई कर दी, लोहे की पाइप से जमकर मारपीट की है दुकानदार ने एक शख्स, चोरी के शक में, कंबल चोरी के शक में पिटाई कर दी गई। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता अमित शर्मा जुड़े हुए हैं फोन पर। अमित, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? अमित, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? जी सुमित, बताइए सवाल। अमित, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? पुलिस में शिकायत नहीं हुई है, लेकिन एएसपी कह रहे हैं कि मामले की जांच होगी। देखिए सुमित, बिल्कुल ये मामला जो एक कंबल चोरी के संदेह में दुकानदार ने दो लोगों को हिरासत में लिया था और बंधक बना करके जिस तरीके से मारपीट की, लोहे की रॉड से दोनों युवकों की मारपीट की जाती है, फिर उसके बाद जब आस पड़ोस के लोग आते हैं चीख पुकार सुन करके, उसके बाद उन दोनों व्यक्तियों को जो कंबल चोरी के संदेह में पकड़े जाते हैं, उसके बाद उनको वहां से छुड़ाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से जिस दुकानदार के कंबल चोरी हुए थे तो उसे पुलिस में शिकायत करनी थी, ना कि कानून अपने हाथों में लेना था। जिस तरीके से जो दोनों युवकों की मारपीट की गई है, उसके बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद ठाकुर का कहना है कि ये वीडियो हमारे संज्ञान में आया है और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई कब की जाएगी, क्योंकि 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, अब देखना होगा। खबर सुमित, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि दुकानदार ने कानून को अपने हाथों में लिया है। अगर चोरी उनकी दुकान में हुई थी तो पुलिस से शिकायत करनी थी, लेकिन इसकी बजाय उन्होंने बंधक बना लिया, दो लोगों को पाइप से पीट दिया। क्या कोई सबूत है अमित दुकानदार के पास कि इन दोनों ने ही चोरी की है जिसको वो पीट रहे हैं? अमित, देखिए अभी तक ऐसा ना तो दुकानदार के पास कोई सबूत है, लेकिन संदेह के आधार पर दोनों युवकों को हिरासत में लिया था और अंदर अपने जो कारोबार चलता है वहां पर ले जाकर के मारपीट की थी। लेकिन दुकानदार की बात की जाए तो उससे हमने भी बात की तो उसका यही कहना है कि सबूत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं दोनों ने, और जिस तरीके से जो मारपीट की गई है उसके बाद दोनों युवक भी कह रहे थे कि इसने चोरी किया है, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मारपीट के डर से जो दोनों युवक हैं डरे सहमे हैं, उन्होंने मारपीट के डर से कह दिया हो, लेकिन दुकानदार के पास अभी तक देखने वाली बात होगी पुलिस का क्या एक्शन होता है इस पर। महासमुंद से बड़ी खबर, जहां पर सदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई, पिकअप ने बाइक सवारों को चल लिया, घटनास्थल पर दो युवकों की मौत हो गई है। परसदा राइस मिल के पास हादसा हुआ, महासमुंद कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला। बड़ी खबर महासमुंद से, जहां पर परसदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, रफ्तार कार काल बन गई, यहां पर सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई, पिकअप ने बाइक सवारों को कुचल दिया, घटनास्थल पर ही युवकों ने दम तोड़ दिया। वहीं इंदौर में शिकंजे में आया है शातिर चोर गिरोह, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, चोरी की 8 बाइक भी इनसे बरामद कर दी है पुलिस ने, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारियां की। इंदौर में शिकंजे में आया है शातिर चोर गिरोह,
पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चोरी की 8 बाइक भी इनसे बरामद करने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है, गिरफ्तारी की है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से शातिराना तरीके से जो चोर नकाबपोश चोर बाइकों को चुराते थे, लेकिन पुलिस से बच नहीं पाए, शिकंजे में आ गए पुलिस के। दो लोग गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।